नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू, आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। जैसे कि पता है हमारे चैनल कुशेश्वर स्थान में नंबर वन पे आते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग कोसी मेला जो कोराही में लगता है वहाँ पे है, आज तीसरा ना दूसरा दिन है। यहाँ पे आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं। कोरोना के कारण यहाँ पे इस बार ज़्यादा मेला नहीं लगाया गया है और अब ये दूसरा या तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ, कोरोना के कारण लॉकडाउन हो रखा है, इसलिए कोरोना का पूरा गाइडलाइन का पालन किया जाता है मेला कमेटी के द्वारा। और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे कोरोना का पालन भी कर रहे हैं और कुछ है जो नहीं पालन कर रहे, क्योंकि यहाँ पे इस बार उतना खास मेला नहीं लगाया गया कोरोना गाइडलाइन के कारण। और ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे मास्क लगाए रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका विजुअल में दिखता होगा, जो आदमी लोग हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग भी पूरा मास्क में रहते हैं, कोरोना गाइडलाइन पालन कर रहे हैं। दुकानदारी हो रहा है क्या, कोरोना का गाइडलाइन का आप लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल पालन कर रहे हैं। नहीं आता होगा आप लोगों को, ज़्यादा दुकानदारी भी नहीं होता होगा? बहुत कम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ठंडी का समय भी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जिसके कारण कोराही में जो कोसी मेला लगाया जाता है हर वर्ष में, तो इस बार उतना खास नहीं लगाया जा रहा क्योंकि प्रशासन के द्वारा रोक लगा दिया गया है। और प्रशासन के रोक लगाने के बाद यहाँ पे मेला उतना नहीं, क्योंकि जो भी कुछ है बस पूजा करने के लिए लोग आते हैं, मेला ज़्यादा नहीं लगा है, इसलिए आदमी ज़्यादा नहीं आ पा रहा। और यहाँ पे जो भी है कोरोना गाइडलाइन का बढ़िया से पालन किया जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो मास्क लगा के यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ आदमी ही नहीं ज़्यादा आते हैं तो मास्क क्या लगाएंगे, घर में ही रहते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे इस समय काफ़ी ठंडा पड़ रही है। ये जो बॉर्डर है दरभंगा और समस्तीपुर जिला के बॉर्डर पर आता है दोनों ये जगह, इसलिए यहाँ पे प्रशासन आके कल चेकिंग वर्क कर रहे थे, आज भी आए हुए थे प्रशासन। और यहाँ पे बढ़िया तरीका से कोरोना गाइडलाइन का पालन, इसके कारण दुकानदारी भी नहीं हो पा रहा। तो इसे आप देख सकते हैं, विजुअल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी लोग हैं कोरोना गाइडलाइन पालन कर रहे हैं। और अंदर में भी आपको मैं दिखाता हूँ कि थोड़ा पोज मारना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो पूजा स्थल है, यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं आसपास करीबन 20-25 गांव के लोग आते हैं, पर इस बार कोरोना के कारण गाइडलाइन दिया गया। जैसे कि आपको पता था कल भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड किए हुए थे और बनाए भी थे वीडियो, और आज भी इसीलिए आए हुए हैं। यहाँ आपका जो आदमी लोग है कुछ अफवाह फैला रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। कुछ जिले से और ईर्ष्या कर रहे हैं इस मेला से, क्योंकि जो मेला है आज से नहीं लगाया गया है, कंटिन्यू 20 साल से लगाया जाता है यहाँ पे मेला। तो आप देख सकते हैं इस समय, अभी बाहर का मैं विजुअल दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ भी जो भी आदमी लोग दिख रहे हैं मास्क लगाए हैं, बहुत कम ही आदमी यहाँ पे आते हैं। और पूरी तरह यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का जो यहाँ पे मेला कमेटी के मेंबर लोग हैं वो पूरी तरह लोग ध्यान दे के रखे हैं कि कहीं भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जितना हो सके कोरोना गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और इस क्षेत्र में कोरोना नहीं आना चाहिए। इस पर बहुत काम किया जाता है मेला कमेटी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे है इनको भी देख लीजिए आप, मास्क लगा के अंदर आ रहे पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको मैं कल भी यहाँ पे आया था और आज भी मैं यहाँ पे आके आपको ये विजुअल दिखा रहा हूँ, कल भी आके मैं दिखाऊंगा कि कितना यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का पालन चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, क्योंकि जो मेला ये आज से नहीं लगाया जा रहा, करीबन 20 साल से कंटिन्यू यहाँ पे मेला लगाया जा रहा था, इसलिए आज इस साल भी यहाँ पे कोरोना के कारण कम ही मात्रा में बोलने से मेला लगाया गया, कम ही तरह से मेला लगाया, उतना फैसिलिटी नहीं दिया गया, क्योंकि ये पूजा स्थल है, पूजा करने आदमी लोग आते हैं। तो भाई कोरोना गाइडलाइन का पालन आप भी कीजिए और जितना हो सके मास्क और सैनिटाइजर यूज कीजिए, ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है।